नियुक्ति में नंबर के आखिरी कितनी सीटों पर भर्ती बाकी, तीसरी सूची का इंतजार पर सवाल जारी, आखिर कितनी सीटों पर होगी भर्ती? यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसिल के बाद की नियुक्ति की नियति निराशा और इंतजार ना होने पाए, ये मुहिम खबर प्याली ने ठानी थी। हमारे लाइव सेशन में बीजेपी प्रवक्ता ने कहा था कि सेशन में आए सवालों को वो सरकार तक पहुंचाकर जल्द प्रोसेस शुरू करने की अपील करेंगे, और उसका असर है कि शनिवार को टीम 9 के बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों से शिक्षकों के खाली पदों पर जल्द भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। पार्टी तीसरी सूची से जुड़े सारे सवालों के जल्द समाधान और नियुक्ति देने की बात कह रही है। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं को भ्रष्टाचार मुक्त, जातिवाद मुक्त, पूर्णतया पारदर्शी तरीके से कराने के लिए संकल्प माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार 69,000 अध्यापकों की नियुक्ति में जो शेष पद रिक्त हैं उनके लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग शीघ्र कराने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शीघ्र ही NIC के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए और जून माह के अंदर ही इन अभ्यर्थियों की जिनकी काउंसलिंग बची हुई है वह पूरी कराई जाए। इस संबंध में कितने अभ्यर्थियों की कराई जाएगी, कब से कराई जाएगी, इसकी भी घोषणा शीघ्र की जाएगी। सरकार अब जल्द तीसरी सूची जारी करने की बात तो कह रही है, पर पहले भी मंत्री के लगातार निर्देश के बाद मामले में हीला हवाली होती रही। इतना ही नहीं, तीसरी सूची में पदों की संख्या को लेकर भी कई तरह के सवाल बने हुए हैं, जिनको क्लियर किए बिना प्रोसेस शुरू करना सही नहीं होगा। 70,000 शिक्षक भर्ती में ग्रुप 2 काउंसलिंग के बाद जो भी सीटें रिक्त रह गई हैं उस पर नई चयन सूची आनी है, पर विभाग द्वारा अभी न कोई रिक्त सीटों का डाटा जारी किया गया है, न काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया है, जिससे कि छात्र असमंजस में है कि रिक्त सीटों की संख्या क्या है। आपको बता दें कि अब तक जारी हुई मेरिट सूची में 2 चरणों में लगभग 64,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है। अब विभाग की तरफ से तीसरी मेरिट सूची जारी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक तीसरे चक्र में होने वाली भर्ती के लिए कुल रिक्त पद 5,000 के करीब हैं। सीटों को लेकर स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। सरकार ने जो जानकारी दी उससे अभ्यर्थी सहमत नहीं है। पहले सरकार ने बताई थी कि 4,631 सीटें हैं। कहा गया 1,133 पदों को SC अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए लगभग 1,380 पद आरक्षित किए गए हैं। इस वर्ग के लगभग 250 अभ्यर्थी ही इस परीक्षा में पास हो पाए हैं। अब विभाग की तरफ से इन पदों को भरने की तैयारी की जा रही है। ये तमाम बिंदु जिनका समाधान तीसरी सूची से पहले जरूरी है। जितना जरूरी इन सीटों पर जल्द भर्ती करना है, उतना ही पहले इन स्थितियों को स्पष्ट करना भी। खबर प्याली सरकार से ये अपील करती है कि सीटों की आरक्षण की स्थिति को साफ करें और शीघ्र भर्ती शुरू करें, जिससे जॉब का ख्वाब पूरा हो, संघर्ष के बाद छात्रों को नौकरी का प्रतिफल मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्याली।